One. Hi friends, welcome to free tips and tricks for mobile, PC, laptop, technology and jobs. First of all, thanks to all my viewers and subscribers because you always comment, you always share videos, you always subscribe channel. That's why channel increasing day by days. So today is my subject regarding how you can divide your drive into partition in which you want. आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट जो है देखिएगा, अगर आपके पास कोई ड्राइव है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, उस ड्राइव को आप जो है डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे सी है, डी है, ई है, एफ है, इसी को जैसे कि ये ई है इसको भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, या सी को भी, और जैसे कि 126 ये 200 GB की है और ये जो 97 GB की, तो इसको जो है आप डिवाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे जो है डिवाइड कर सकते हैं, वही आज अपनी वीडियो में मैंने बताया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको जो है पता चल जाएगा। तो आई होप आपको जो है जो भी आपकी क्वेश्चन क्यूरी होती है मैं आपको बता देता हूँ, और ये क्वेश्चन आपका मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा, तो इसलिए करके मैंने वीडियो बनाई जिससे कि आप लोगों को जो इससे रिलेटेड जो है पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा जब आप डिवाइड को जो है किसी भी अपनी जो है ड्राइव को जो है, जैसे कि मेरी सी थी पहले, ये अभी आप देख रहे हैं ये ई में भी जो है इसे ट्रांसफ़र, इसे इसकी सी का ही मैंने ई भी बना दी, और ई से ही अब मैं एफ भी बना सकता हूँ या डी भी बना सकता हूँ, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं डिवाइड इसको, तो देखिएगा सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पर देखिएगा जब इस पर राइट क्लिक करके आपको क्लिक करना है मैनेज पर। तो जब आप मैनेज पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिएगा ये ऑप्शन आता है डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट पे जब आप आते हैं तो यहाँ देखिएगा ये सी मेरा ओनली दिखा रहा है, तो ये सी मेरा जो है ओनली शो हो रहा है, तो मैं इस पे जो है राइट क्लिक करूँगा, ये देखिएगा। तो राइट क्लिक जैसे ही मैं सी पे करूँगा तो यहाँ से देखिएगा शेयरिंग वॉल्यूम का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्वालिफाई वॉल्यूम फॉर अवेलेबल श्रिंक स्पेस प्लीज वेट, वो जो है इसको कैलकुलेट कर रहा है कि कितना जो है आपका स्पेस उसमें अवेलेबल हो और कितना जो है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे आया तो यहाँ देखिएगा टोटल साइज वो श्रिंक MB, तो ये मेरा देखिएगा 3 और 3 6 यानी ये 3,04,893 MB, यानी ये मेरा बनेगा 300 MB के करीब, ठीक है, और सॉरी 300 GB के करीब साइज अवेलेबल श्रिंक इन MB, ये देखिएगा इतना जो है इसमें अवेलेबल है, ठीक है। एंटर द मैनेजमेंट श्रिंक इन MB, आप कितना जो है इसमें करना चाहते हैं, मतलब जो अपनी इसमें जो अपना ट्रांसफ़र, मतलब आपने जो है उसमें डिवाइड कितने में करना चाहते हैं वो आपको जो है कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये देखिएगा ये इतना बच्चा मैंने देखिएगा ये इसमें से मैंने जो है ये 1,51,000 के करीब जो है इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा मैंने 1.5 लाख के करीब MB के, यानी इसको जो है 150 GB के करीब जो है इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो ये आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे श्रिंक करना है, जब श्रिंक करेंगे तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ देखिए टोटल जो है MB और ये, और जो एंटर अमाउंट स्पेस टू श्रिंक इन MB, आप कितना जो है उसे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो मैंने देखिएगा फिर इसको कट करके जो है 1 लाख कर दिया था, यानी 100 GB कर दिया था इसको, ठीक है। तो इसमें से बचा कितना, फिर ये 2 लाख रुपए में 2 लाख MB बच गया, यानी 200 GB बच गया है, ठीक है, क्योंकि 1000 MB में जो है 1 GB होता है, और 2 लाख में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 200 GB के करीब जो है बनेंगे, ठीक है। तो इसे मैं श्रिंक कर देता हूँ, जब श्रिंक करता हूँ तो देखिएगा ये मेरा एक डिवाइडर आ गया इधर, ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा अनअलोकेटेड है अभी ये, मतलब ये इस तरीके से अभी ये नहीं बनी है,
तो इसके लिए देखिएगा, फिर मुझे इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और न्यू सैम्पल वॉल्यूम पे क्लिक जो करना पड़ेगा इस पर। जब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से इसको फिर नेक्स्ट करना है आपको। और ये देखिएगा, ये देखिएगा इसमें मिनिमम डिस्टेंस MB ऐड, तो फिर नेक्स्ट मैं कर दूंगा 99,990, यानी 1 लाख के करीब जो है ये MB है। तो ये देखिए, ड्राइव आप जो है से ले सकते हैं, यहाँ से ई भी है, डी भी है, कौन सी ड्राइव आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने ई बनाया था, इसलिए देखिएगा ई आ गया। तो इसे नेक्स्ट कर दीजिएगा आप। तो ये देखिएगा फाइल सिस्टम एंट्री से बाय डिफॉल्ट रहने दें आप इसे। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा और ये देखिएगा फिनिश, फिनिश के बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा मेरा ये ई वाला जो है ये मेरा वॉल्यूम तैयार हो गया है। 200 GB, 300 में से 200 सी में रह गए और 100 जो है ये 100 GB मेरे ई में आ गए। तो ये पार्टिसिपेशन हो गया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मैं दिखा दूंगा, देखो आपको इधर को, ये देखिएगा मेरा 200 GB जो है सी में और ये आप मेरा जो है 100 GB ई में। अब अगर आप इसको भी जो है करना चाहते हैं तो इसको भी इससे भी डिवाइड कर सकते हैं या इससे भी, तो वो इसी के थ्रू जैसे मैंने बताया प्रोसेस, इसके थ्रू आप जो है आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी आशंका आपके मोबाइल, PC, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप और यू कैन कॉल मी ऑन माई ओन नंबर और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। If you are new on this channel, so please click this red subscribe button. When you will click this red subscribe button, then channel will subscribe and you will get all my informative videos which I upload daily. अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे देखिएगा रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर लीजिएगा। करने का फ़ायदा यही है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है डेली अपलोड करता हूँ वो आपको बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में, PC में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप YouTube देखते हैं उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी। सो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और दूसरे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे दूसरे लोगों को शेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।